हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं आपको फ़िश को धोने का और फ़िश की स्मेल हटाने का पारंपरिक तरीका बताने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर फ़िश बाज़ार से लाके मैंने थैले से निकाल के ऐसे ही रखी हुई है। सबसे पहले तो हमने इसे दो बारी पानी से अच्छे से धो लेना है। तो टैप वाटर के नीचे पानी से अच्छे से मैं धो लूँगी इसे, ताकि इसके ऊपर जो छिलके और बाकी की जो गंदगी लगी हुई है ये पूरी तरीके से निकल जाए। बहुत ज़्यादा मेहनत आपने नहीं करनी, रफली आप बस पानी से इसे धो लो दो बारी। इसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है 1 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा। यहाँ पे मैं गेहूं का आटा डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, बेसन, जो कोई सा भी आटा आपके पास हो वो आटा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस 1 चम्मच नमक आपने इसे ज़रूर से ऐड करना है। हल्के से मिक्स करूँगी और इसके बाद ऊपर से ढक के 5 मिनट के लिए इसे यूँ ही छोड़ देंगे। और 5 मिनट के बाद आटे और नमक को हमने फिश के ऊपर हल्के हल्के यूँ मसलना है। अगर पहली बार आप इसे ऐसे साफ़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको मैसी लग सकता है। एक बार यूज़ टू होने के बाद आप इस प्रोसेस को भी इंजॉय करना सीखोगे। फिश के सारे टुकड़े के ऊपर बहुत ही अच्छे से हमने ये मसलना है। स्किन के ऊपर आप इसे रगड़ सकते हैं ताकि स्किन के ऊपर की सारी गंदगी निकल जाए। और फिश की जो स्मेल होती है वो स्किन से ही आती है, तो आटे को हमने, नमक और आटे को हमने स्किन के ऊपर अच्छे से रब करना है ताकि इसके ऊपर की सारी गंदगी निकल जाए, साथ साथ इसकी सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, एक एक करके सारे पीसेस मैंने ऐसे ही कर लिए। अब करना कुछ नहीं, बस पानी के नीचे हमने ये फिश को अच्छे से धो लेना है, अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आटा और नमक की वजह से धोने के बाद आप देख पाएंगे ये कितने अच्छे से क्लीन लग रही है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। इसके ऊपर कुछ भी गंदगी नहीं रहती, इसकी पूरी स्मेल ख़त्म हो जाती है और इससे आप जो भी डिश बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। फिश करी अगर बनाएंगे तो करी के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा, अलग ही स्वाद आएगा। ज़रूर इस ट्रिक को एक बार आजमा के देखें। इसके पहले भी हमने फ़िश को छुए बिना गंदगी को कैसे साफ़ कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप देख पाएंगे कितने अच्छे से क्लीन हो चुके हैं सारे पीसेस। ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें। और ऐसे नई मज़ेदार नॉनवेज रेसिपीज़ और नॉनवेज रेसिपीज से जुड़ी ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।